इसके अलावा मेरा एक परिचय ये भी है कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ और वहाँ के छात्र संघ का महासचिव था 1984-85 में, और मैं रहता भी वही हूँ, उसी इलाके में मैं रहता हूँ, मैं यहाँ लुटियन में नहीं रहता, और वहाँ से क्योंकि मुझे आना पड़ा इसलिए थोड़ी सी देर ही लगे। मेरे दोनों बच्चे जामिया में पढ़े हैं, बच्ची अभी तक पढ़ रही है, मेरी बीवी जामिया में पढ़ी है, मेरे बालक ने जामिया में पढ़ाया है, इसलिए मेरा जामिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसे इमोशनल भी कह सकते हैं, और मेरा तो सर्वाइवल और मेरे ज़िंदगी का सहारा भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ही बना, क्योंकि मेरी बीवी वहाँ अध्यापक है और मैं जो है राजनीति का कुलवक्ती कार्यकर्ता हूँ। खैर, जो कुछ कल जामिया में हुआ है उसके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से एकजुटता व्यक्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और जामिया का एलुमनाई होने के नाते मैं इन सभी राजनीतिक दल के नेताओं को और भारतवर्ष में जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कल रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की है, सड़कों पर आकर के नारे लगा करके एक संदेश दिया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र होने की वजह से। बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, जो घटना आगजनी की हुई है वो जामिया कैंपस से 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं नहीं समझता कि जहां आगजनी हो रही थी वहां कोई लाठी नहीं चली, वहां कोई आंसू गैस नहीं चली, और वहां से 3 किलोमीटर दूर आकर के दिल्ली की पुलिस ने अपनी बहादुरी जामिया के लड़कों पर, जामिया की लड़कियों पर, और वो भी उन पर नहीं जो वहां एक्टिव रहते हैं, वो भी उन पर जो विभिन्न एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठते हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी, मैं आपको बता दूं कि एक लंबे अरसे से 24 घंटे खुलती है, वहां ना कोई छुट्टी होती है, ना वहां कोई ईद बकरीद या होली दिवाली का कुछ फर्क पड़ता है, वो जरूर खुली रहती है, और 150-400-500 छात्र वहां हमेशा जामिया की लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, और मेरी पार्टी तो, और मैं समझता हूँ शायद क्योंकि मैं देर से आया, मुझे पता नहीं कि हमारे विपक्षी दलों के नेता ने क्या कहा गुलाम नबी आजाद साहब ने पूरे तरीके से, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस घटना की जांच कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी भी एक हायर लेवल की जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए। और चूंकि जिस मुद्दे का बहाना बना करके जामिया के छात्रों को मारा गया है, पीटा गया है, उनकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, वो मुद्दा इतना बड़ा है कि आज पूरा देश उसके ऊपर आंदोलित है। इसलिए हमारी तो मांग ये भी है कि संसद का विशेष सत्र बुला करके इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, और जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूँ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।